इरशाद खान बधाई हो तुम्हें। राजस्थान से आके बैंगलोर में तुमने पूरी सेफ्टी की पूरी कोर्स जो है कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने आयुष में एडमिशन लिया और आयुष की मतलब एग्जाम दिया और आयुष ने आयुष मैनेजिंग सेफ्टी आपने पास कर लिया, ठीक है। तो आपको कैसा अनुभव है आपको आयुष के साथ? बहुत अच्छा अनुभव है। राजस्थान में भी जयपुर कोटा बट मैंने कभी नहीं देखा। तो आपको राजस्थान से यहाँ पे आए, आपके पहले इरफान लेके आए, तो आपको थोड़ा सा लग रहा था कि कहाँ मैं दूर जगह पे जा रहा हूँ, पहली बार आप आए? सर मैं पहले बहुत डरा हुआ था, फिर यहाँ आके आपसे मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे घर से जैसे लगा। डर क्या लग रहा था आपको? सर इतने दूर से, घर से इतने दूर आया, वहाँ क्या होगा, कैसे बंदे होंगे, टीचर कैसे होंगे, वैसा कुछ नहीं था। बहुत ही अच्छा। कोई दिक्कत हुआ? कितना कितने महीने हो गए आपको यहाँ? मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। आप सितंबर अक्टूबर में आए थे? यस सर। ठीक है। और आपने जो है सबसे पहले आयुष में एडमिशन लिया और उसके बाद आज आपका HSW का एग्जाम भी कंप्लीट हुआ है। तो कैसा हुआ पेपर आपका? बहुत ही बढ़िया पेपर हुआ सर आज भी। हाँ हाँ, नबोच का HSW का एग्जाम आज हुआ ना आपका? यस सर। तो कैसा हुआ पेपर आपका? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो पास हो जाएंगे आराम से सर, 90% ऊपर मार्क्स आराम से। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और फिर आप नबोच IGC भी कर रहे हैं? नबोच IGC कर रहा हूँ मैं। हाँ, पेपर है मेरा अप्रैल अप्रैल में, 7 अप्रैल को। अच्छा, उसमें देना एग्जाम आपको? यस सर। अरे वाह, एकदम सब एकदम आयुष नेपोश बहुत इजी से सर, इतने यहाँ फैसिलिटीज है सर, टीचर भी बहुत बढ़िया है। तो क्या बाहर जाने कह रहा था क्या? यस सर। कहाँ जा रहे हो? सर मैं कनाडा या दुबई सर। कनाडा और दुबई? यस। मेहनत करना पड़ेगा? यस सर। हाँ, मेहनत करोगे? यस सर। चलो, मेहनत तो दिख रही है आपकी। सबसे पहले है आपकी जो ये जो आयुष की सर्टिफिकेट आ गई थी, मैं आपको चाह रहा हूँ मैं आपको दूँ। उसके पहले दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा सर्टिफिकेट का कवर है, ठीक है। सर्टिफिकेट का फाइल है, इसके अंदर मैं आपके आपके सर्टिफिकेट जो आयुष ने भेजा हमें, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मैं इसको अनपैक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, ये हमारा एक सर्टिफिकेट का ये हमारा कवर पेज है। कवर पेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ, एम्पावरिंग सेफ्टी एक्सेलेंसी। हमारा नबोच एक्रेडिटेड सेंटर है, आयुष एक्रेडिटेड सेंटर अप्रूव ट्रेनिंग पार्टनर है। सो इस तरह के हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, और आपका यहाँ पे नाम है और मैनेजिंग सेफ्टी, आयुष मैनेजिंग सेफ्टी है। इस फाइल को मैं निकालूंगा अभी प्लास्टिक के अंदर से, आप देखेंगे आराम से निकालता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे, इस फाइल को जब मैं ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये वेरी गुड, ये आपका देखिए यहाँ पे आपका नाम है, ठीक है, इरशाद खान। तो ये आपकी आयुष मैनेजिंग सेफ्टी की ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। तो मैंने एक सुरक्षित तरीके से इसको, हमारा एक उद्देश्य है कि ये सर्टिफिकेट जो भी आप जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होती है वो एक उसकी बहुत महत्व होती है, वैल्यू होती है। तो उसको हम अच्छे से मतलब पेपर में प्रिंटेड होती है, लेकिन उसको हम सुरक्षित तरीके से सभी जितने भी हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट जो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं उनको हम किसी तरह सर्टिफिकेट देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका सर्टिफिकेट हमेशा पानी वगैरह से कहीं से भी हो सुरक्षित रहे, रखने में भी उनको सहूलियत हो, ताकि कभी भी सर्टिफिकेट फोल्ड ना हो और सर्टिफिकेट सुरक्षित हमेशा जीवन भर हो, सर्टिफिकेट आपका सुरक्षित रहे। तो ये आपका आयुष मैनेजिंग सेफ्टी का सर्टिफिकेट है, उसके साथ हमारे इंस्टीट्यूट का एक कम्प्लीशन सर्टिफिकेट है कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की, उसकी एक कन्फर्मेशन है कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की, उसकी एक कन्फर्मेशन है। तो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप तो मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू, बधाई हो आपको, इंशाल्लाह आपको सारी सफलता मिले, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपने पास किया और उम्मीद करता हूँ आज जो आपने नबोच HSW का एग्जाम दिया है, आप जितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसके हिसाब से आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो उम्मीद है कि अप्रैल में रिजल्ट आएगी, तब तक आपको मालूम हो जाएगा, और अप्रैल में आपका नबोच IGC का एग्जाम भी है, ठीक है। तो अभी घर जाने का कहते ना, कल घर जा रहे हैं, फिर एग्जाम वही घर से दोगे? चलो ठीक है। तो ये आपका सर्टिफिकेट आपकी अमानत है, आप इसको रखिए अपने पास, ठीक है। देखिए ये आपका सर्टिफिकेट सुरक्षित रखो और सुरक्षित आप लेके कैरी कर सकते हैं, फ्लाइट में कहीं पे भी जाएंगे, बैग में भी रखेंगे तो ये सर्टिफिकेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ खराब नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी अमानत है।